जो लास्ट हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड, अबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द सरफेस, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कहो या वेरिएशन ऑफ जी कह सकते हैं ना। और हमने देखा था कि एच हाइट जा रहे हैं और एच मच मच लेस देन आर है, तो इस पॉइंट पे जी डैश और यहां पे सरफेस पे जी है, था जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर दिस। अगर बात करें बिलो द अर्थ सरफेस, इफ यू गो बिलो द अर्थ सरफेस बाय डिस्टेंस एच जी डबल डैश जी इंटू वन माइनस एच बाई आर, ये बच्चों इक्वल था और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल था, है ना। ये डिस्कस कर लिया था बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल। आई होप कि मैक्सिमम बच्चे आ गए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो सबसे पहले बच्चों जैसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा था फर्स्ट वी विल डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों du इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो कभी r डिस्टेंस से छोटा सा डिस्टेंस dr ले गया तो du कितना लिखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों इधर है, जैसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था वैसा ही जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। एंड यू कैन अंडरस्टैंड बच्चों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली आर वन से आर टू जी एम वन एम टू वन बाई आर स्क्वायर का माइनस वन बाई आर लिमिट आर वन से आर टू। बहुत ही सिंपल सा, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। यू टू माइनस यू वन जी एम वन एम टू बच्चों ये माइनस साइन को अगर कंसिडर कर लें तो वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये बच्चों हो गया यू टू माइनस यू वन। इफ आर टू इज इक्वल टू इंफिनिटी बच्चों जैसा रेफरेंस लेते थे तो यू टू कितना लेंगे, नयन पटेल कनेक्टेड हो हर्षिता रंजन जीरो जीरो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो जीरो लेंगे तो यहां पुट कर दिया यू टू जीरो ले लिया माइनस यू वन, यू वन को सिंपली यू लिख लेते हैं और आर वन को आर लिख लेते हैं, है ना। माइनस जी एम वन एम टू
अपॉन आर, और आर टू हो जाएगा वन बाय आर टू, जीरो हो जाएगा बच्चों। सो ये आ गया कि अगर हम इनफाइनाइट पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो आर डिस्टेंस सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर, और साइन हो जाएगा माइनस। सबको क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैट से उल्टा क्या है, वहां रिपल्सिव होता था, यहाँ अट्रैक्टिव है, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, बाकी सब सेम है। प्रीति बागुल क्लियर? कि दो पॉइंट मास आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सो इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। जितने पेयर होंगे बच्चों उतना पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मेट में लिखेंगे। गुड रोहित, रोहित बहुत दिन बाद दिखे तुम। चलो बच्चों सर वो ऊपर वाला पेज बताइए ना। हाँ क्या करूं, फिर से पेज दिखाऊं क्या, स्क्रॉल डाउन करूं? इतना ही लिखे हैं। डन सर। चलो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चे बोल रहे थे रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं किया है, तो मैंने कल दो रिकॉर्डिंग अपलोड किया, किसी ने भेजा था 7 तारीख और 8 तारीख का नहीं अपलोड हुआ है, तो मैंने कर दिया है, मुझे ध्यान नहीं कि क्या पढ़ाया था उसमें, सिर्फ डेट डाल के डाल दिया है, यू कैन चेक ऑन द चैनल। और ऋषिकेश बडगुजर और भी कुछ बच्चों ने भेजा था, ऋषिकेश मैंने अपलोड कर दिया है, शायद दिखेगा भी। ऋषिकेश है कनेक्टेड? नहीं है सर। अनुरूप कैसी तबीयत है? अच्छा ऋषिकेश भी है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, छोटा सा सवाल ले लूं बच्चों कि लेट्स देयर आर थ्री पॉइंट मास व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। चलो प्रैक्टिस कर लो। सब इलेक्ट्रोस्टैट्स में करवा चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारे पास वैरायटी ज्यादा था जो कि प्लस और माइनस होता था, यहाँ तो प्लस माइनस है नहीं, तो सिर्फ माइनस ही रहेगा बच्चों। सो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है यू वन फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन का, इसका कितना है यू टू सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन का, और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन का। किसी से भी मैं पूछूंगा बच्चों, सारे बच्चे सॉल्व कर लें, 30 सेकंड का टाइम है। तो बच्चों मैंने कुछ सवाल दिए, एक कॉन्फ़िगरेशंस दिया, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना था, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, एम 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 तीन मास है। तो बच्चों कितने पेयर बन रहे हैं, एक दो तीन और तीन, है ना, एक पेयर का हो गया जी एम स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे ऐसे दो पेयर है बच्चों, तो ट्वाइस और माइनस जी एम स्क्वायर बाई एक पेयर है टू ए डिस्टेंस का, ये हो जाएगा। इसमें बच्चों सब में डिस्टेंस ए है, तीन पेयर है, तो माइनस थ्री टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर बाई ए, और इसमें बच्चों कितने पेयर है,
सिक्स, तो फोर है तुम्हारा जी एम स्क्वायर बाई ए डिस्टेंस वाला, और दो है रूट टू ए डिस्टेंस वाला। ये सब इलेक्ट्रोस्टैट्स में कर चुके हो, टू टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर बाई रूट टू ए। और बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट से इजी लग रहा होगा बिकॉज यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टाइप का मास है, सिर्फ पॉजिटिव मास है। है ना बच्चों? तो इसमें सवाल कैसे आते हैं? इसमें ऐसे सवाल आएंगे, सपोज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन टू बच्चों कहा जाए कि हाउ मच वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू सेपरेट दिस मासेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, सेपरेट दिस मासेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस स्लोली। वर्क रिक्वायर्ड टू स्लोली टू इनफाइनाइट। तो बच्चों मैं फॉर्मूला लिखता हूं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। डेल्टा के बच्चों जीरो होगा, क्यों जीरो होगा? स्लोली जा रहे हैं, स्लोली ले जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, या इसी को कहेगा फाइंड मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। डेल्टा यू बच्चों फाइनल जीरो, इनिशियल कितना है माइनस, सपोज थर्ड केस सेकंड केस का डिस्कस कर रहे हैं। ये सब बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको तो पब्लिक सर बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं, लेकिन तुम लोग सॉल्व तो करना शुरू कर दो। तो बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया इस केस में, और ये प्लस माइनस का ही लफड़ा होता है, तो एकदम अच्छे से समझो बच्चों क्या कर रहे हैं। इतना पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, दिस मच पॉजिटिव वर्क। क्यों? ऐसे भी सोचो ये सब का टेंडेंसी क्या है, नजदीक आने का, इसको सेपरेट करना है, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। अगर यही चार्ज दे देते तो उसमें टेंडेंसी था दूर जाने का, तो उसको रोक के रखना पड़ता, धीरे धीरे ले जाते, तो निगेटिव वर्क करना पड़ता। या अगर छोड़ देता तो इनफाइनाइट पे जाकर के उसके पास काइनेटिक एनर्जीज हो जाते हैं चार्जेस के केस में। यहां तक समझ में आया बच्चों? इस केस में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेट्स की इसका इनिशियल डिस्टेंस 2a है दोनों का, है ना, और इसको रिलीज कर दिया गया सिमेट्रिकल सिचुएशन। सपोज रिलीज करने के बाद ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है जो अब ए डिस्टेंस का बन रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ऐसे होगा। व्हेन इट इज एट सेपरेशन ए फ्रॉम ईच अदर व्हाट विल बी द स्पीड, कैसे निकालेंगे बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी, इसको रिलीज कर दिया एनर्जी कंजर्वेशन से। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू जीरो, ये यूज कर लोगे, क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। सो यू कैन डू इन दैट दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला क्वेश्चंस। बच्चों एक दूसरा सवाल ले लिया, एक 4m मास है, एक m मास है, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, और एक मास m को मैं ओरिजिन से उठा करके ऐसे ले जा करके सर्कुलर पाथ से या किसी भी पाथ से यहां पे लेके चला गया a पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट है
2a, 0. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है बच्चों. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो कहोगे सर एक काम करो, स्लोली ले जाना है, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. डेल्टा के तो जीरो, डेल्टा यू निकल जाएगा अभी के कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी और बाद के कॉन्फ़िगरेशन में. तो तुम लोग बता सकते हो क्या व्हाट इज डेल्टा यू फॉर दिस? अच्छा मैं लिखता हूं माइनस जी एम इंटू 4m बाई 3a बच्चों. ये सही लिखा क्या, कुछ समझ के बताओ तुम. यस सर, करेक्ट है. सर बच्चों मैंने पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखा, यहाँ पे स्मार्टनेस क्या दिखाना है. देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर इनिशियली लिखा जाए तो देखो क्या हो जाएगा, इसका इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका इसका और इसका इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल भी वैसे लिखेंगे. लेकिन देखो बच्चों इसका और इसका तो चेंज होगा, ये दोनों तो फिक्स्ड ही है, तो क्यों लिखें बार बार, दोनों इस केस में सेम रहेगा. अब बात करते हैं इनिशियली इसका इतना है और बाद में ये यहां चला गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी स्पेयर का चेंज हो जाएगा. बट इनफैक्ट ये जो डिस्टेंस दिया उसके अकॉर्डिंगली स्पेयर का भी जितना उतना स्पेयर का, तो सिर्फ जो है इसका और स्पेयर का चेंज हुआ, बाकी सेम रह जाएगा. तो हमने वही लिख दिया, इसका और इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल. आई बात समझ में? यस सर. चलो बच्चों. सर हाँ बोलो सर. इनिशियल तो 2gm. चलो बच्चों ये सवाल हमने कर लिया. अब तुम लोग गेस कर सकते हो बच्चों हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं. हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बता दिया, नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिस्कस कर लिया. वहां भी पहले बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिस्कस किया था, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट डिस्कस किया था. जैसे पहले हमने फोर्स डिस्कस किया एंड देन फील्ड, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी एंड देन पोटेंशियल. पैटर्न समझ में आ रहा है? यस सर. यज्ञेश ने बता दिया सर पोटेंशियल डिस्कस करने वाला है. बच्चों अब कैसे डिफाइंड होगा पोटेंशियल? लेट्स की एक मास है m और एक मास है स्मॉल m. मान लो अभी ये r1 डिस्टेंस है और इसको हम r1 से r2 डिस्टेंस पे शिफ्ट किया है m को, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है बच्चों कितना चेंज आया है? डेल्टा u इक्वल टू
कहोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर टू माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम वन एम टू मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर वन है ना, इतना पोटेंशियल में चेंज हुआ। मैं पूछूं अगर बच्चों ये स्मॉल एम के जगह पर अगर हम यूनिट मास चेंज ले जाते हैं, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ यूनिट यूनिट मास इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। बच्चों तुम कह सकते हो कि एम मास को क्या होता इतना, यूनिट मास को करते तो इतना होता और ये क्या हो जाता है माइनस जी एम अपॉन आर टू माइनस ऑफ माइनस जी एम अपॉन आर वन। बच्चों इसी को बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा है बच्चों, कैपिटल है। एक पॉइंट मास का यहां और यहां के बीच में चेंज इन पोटेंशियल ये है, ऐसे डिफाइन है बच्चों, है ना। तो ये डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली अगर हमें कहीं दो पॉइंट का पोटेंशियल पता है, चेंज इन पोटेंशियल पता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर एम मास को शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा वी। तो अब मोस्टली हालांकि हमें जब जरूरत पड़ेगा मोस्टली डेल्टा यू का ही जरूरत पड़ेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, बट हम लोग डेल्टा वी निकाल करके रखेंगे, जब भी मास को चेंज करना है मास लाके करेंगे तो मास इनटू डेल्टा वी कर देंगे तो फाइंड डेल्टा यू। सो अब हमारा टारगेट होगा बच्चों पूरा का पूरा कि हम इस डेल्टा वी के टर्म में देखें, जैसे फोर्स नहीं देकर के हम फील्ड देखते थे। इज इट क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन। तो एक पॉइंट मास के कारण बच्चों चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, माइनस जी कैपिटल एम बाई आर टू माइनस ऑफ अब इसमें से मान लो वी टू माइनस वी वन ये माइनस साथ में रख रहा हूं ऐसे, एक को इन्फिनिटी ले लो बच्चों, पोटेंशियल सपोज आर टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो वी टू क्या ले लेते हैं जीरो, और वी वन को वी लिख लेते हैं जब आर वन इज इक्वल टू आर है तो, है ना। सो क्या रिलेशन हो जाएगा बच्चों यहां से देख लो, पुट कर दोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं वी कम्स आउट एज माइनस जी एम बाई आर एज एक्सपेक्टेड। सो फाइनली हमने क्या डिराइव कर लिया बच्चों, एकदम ध्यान से समझना है कि अगर एक मास m है तो इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों माइनस जी एम अपॉन r। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी आना है शुक्ला, वेक्टर या स्केलर? आना शुक्ला पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? और किसी से पूछूं? तनिष पवार, तनिष तुम्हारा आज फर्स्ट लेक्चर है तनिष? यस सर। अच्छा, इससे पहले कहां पढ़ रहे थे तनिष? सब भुजबल नॉलेज सिटी। ओके
शकल तो कहाँ आया था? नासिक रोड आया था, इधर आया था? चलो सो अभी हो सकता है कुछ चीजें समझ में नहीं आए तनिष, बिकॉज लेट ज्वाइन किया हो, कुछ दिक्कत होगा तो पर्सनली मैसेज करना। यस सर। चलो बच्चों, तो ये हमने पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल लिख लिया। एकदम बच्चों वाला सवाल ले लो बच्चों। मान लो बच्चों ये ओरिजिन है ना, दो मास रखा हुआ, तो यहाँ पे पोटेंशियल, मान लो ये पॉइंट ए है, व्हाट इज पोटेंशियल एट ए, व्हाट इज पोटेंशियल एट ओ। सार्थक सुना आपने, तुम्हें माइक ऑन करके बताना है ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। देयर टू मासेज, सो बेसिक क्लियर तो टफ सवाल भी करेंगे। यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि ऑनलाइन में बच्चों के एकदम बेसिक्स ही नहीं आते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे सवाल कराते रहता हूँ। कम से कम इतना तो आया। और अच्छी बात क्या है पता है, बलाल सर इट्स नॉट हिज टीचिंग ओनली मैथ, ही ऑल्सो टीचेस फिजिक्स, बड़ा अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं। चलो बच्चों, सो ये बहुत बड़ा चीज होता है, फिजिक्स मैथ दोनों पढ़ाते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो तुम लोग कम से कम इतना मत करना यार, सिंसियर रिक्वेस्ट है। एक पॉइंट मास से आठ डिस्टेंस पे पोटेंशियल कोई पूछ दे तो कम से कम आराम से बता सकते हो हाँ इतना तो आता है। अच्छा ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताना, इसके कारण लिख लेंगे माइनस जी एम अपॉन ए, इसके कारण बच्चों थ्री ए डिस्टेंस है, माइनस जी एम अपॉन थ्री ए, दैट्स इट। ठीक है, बच्चों एक रिंग है और रिंग का मास है एम और रेडियस है आर। मुझे बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट डिस्टेंस एक्स ऑन इट्स एक्सिस एट पॉइंट पी। जो पोटेंशियल निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, स्केलर क्वांटिटी है, इसके कारण पोटेंशियल वेक्टर फील्ड में थोड़ा दिक्कत होता था, डायरेक्शन कंसीडर करना होता था, पोटेंशियल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चों ये डिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। कम से कम ये कोई पूछे तो बता ही दो यार, अपने टीचर की बेइज्जती तुम्हें अच्छा तो लगेगा नहीं। वीपी तो माइनस जी कैपिटल एम अपॉन ये जितने भी पार्ट के लिए सबसे डिस्टेंस यही आर है, तो मैं डायरेक्टली लिख लू, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में बताया था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये सही लिखा क्या बच्चों? जी सर। ठीक है, अच्छा मैं यहीं पे बताता हूं कि हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया था। du इज इक्वल टू डिस्कस किया था माइनस f डॉट dr, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इसको अगर मान लो कहा जाए कि किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड e है, ईजी लिख देता हूं,
इसका मास m है तो फोर्स कितना लिख लेंगे, माइनस m इंटू ई जी डॉट डी आर। बच्चों यहां से अगर डी यू डिवाइड बाई एम लिखें क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ई जी डॉट डी आर। और कुछ बच्चों को याद आ गया होगा कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, डी यू बाई एम को क्या बोलेंगे, डी वी चेंज इन पोटेंशियल। तो किसी रीजन में अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ई जी है तो सेम वे जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था बच्चों, डी वी इक्वल टू माइनस ई जी डॉट डी आर। क्लियर? यस सर। अब बच्चों डी वी दैट इज इक्वल टू माइनस ई जी डी आर कॉस थीटा। थीटा क्या है, ई जी और डी आर के बीच का एंगल। तो बच्चों ई जी कॉस थीटा भी कुछ बताया था, क्या बताया था, माइनस डी वी बाई डी आर, ई जी कॉस थीटा। ई जी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, जिधर डी आर जा रहे हैं, सॉरी कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसा वहां पढ़ा था एग्जैक्टली वही चीज यहां भी है। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बच्चों कि अगर मैं वीपी लिख लिया हूं यहां पे, तो अगर मैं कहूं कि इस डायरेक्शन में, बताओ कि इस डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, है ना, इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तुम कहोगे सर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी एक्स, एक्स में जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट। एम आई राइट? तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला नहीं भी याद है बट पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, तो फ्रॉम पोटेंशियल कैन यू डिराइव ग्रेविटेशनल फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस। ओके यस सर, ये हो जाएगा माइनस डी v अपॉन dx। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एम अपॉन, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करूं क्या, ये माइनस हाफ है बच्चों तो जाएगा थ्री बाई टू, और क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, है ना, तो हाफ बाहर और एक्स स्क्वायर का बच्चों 2x और माइनस हाफ बाहर इनफैक्ट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आ जाएगा, ये 2 चला जाएगा। एंड यू कैन मैच विद द अर्लियर फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, gm अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन सबको आता है बच्चों, मैंने बहुत मन से पढ़ाया। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इधर है, अगर हम इधर जा रहे हैं तो निगेटिव आए, मतलब इधर है बच्चों। यही एक्सप्रेशन था क्या, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड का, चलो बच्चों तो ये हमने अभी सीख लिया, ये भी नोट डाउन कर लेना, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन है। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, बच्चों हमने रिंग के कारण निकाल लिया पोटेंशियल। कैन यू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। इसका मास बच्चों m है, रेडियस r है, एंड यहां पे देना पड़ेगा बच्चों यूनिफॉर्म।
हालांकि पिछला सवाल जो था रिंग का वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी रिजल्ट वही रहेगा, पोटेंशियल का वही रहेगा, और फील्ड में सिर्फ रहेगा कि कंपोनेंट यूनिफॉर्म है तो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी होगा, बट अलोंग द एक्सिस द रिजल्ट विल बी सेम। तो वैसे इसमें करना क्या है, एलिमेंटल डिस्क ले लो, इसके कारण यहां पोटेंशियल लिख दो, तो जी डी एम अपॉन, बच्चों ये डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, ये स्मॉल आर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, साइन होगा माइनस और इसी का इंटीग्रेशन, आर विल वेरी फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। ठीक है, जी हाउ टू राइट डी एम, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चों सरफेस मास डेंसिटी, इसका हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर डी आर, ये हो गया डीएम। बच्चों डीएम इतना लिख सकते हैं ना, तो देख लो बच्चों जो जो कट रहा है उसको कट कर दो, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, बाहर बच्चों ये आर डी आर को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर पुट कर लो, तो ये हो जाएगा वाई, हो जाएगा वाई डी वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चेक इट, आर स्क्वायर प्लस सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और माइनस एक्स। बच्चों यहां तक क्लियर क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला? पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, सार्थक बोर्ड से क्लियर ये? यस सर। अच्छा बच्चों ये फॉर्मूला तो मुझे लग रहा है बड़ा सिंपल है, देखने से मुझे तो याद हो गया, मुझे लगता है तुम लोगों को भी याद हो गया, और ये याद है और तुम्हें कह दे जाए कि डिस्क का यूनिफॉर्म डिस्क के एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, है ना, इसका मास m है, रेडियस r है, तो फील्ड कैसे निकालेंगे? ये बच्चों पता है क्या इजीली निकल सकता है? gm by s का कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? वन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन, टू इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, डिफ्रेंसिएशन आता है बच्चों एक्स स्क्वायर का टू एक्स और माइनस एक्स का वन, और ये माइनस यहां तक क्लियर, ये टू टू चला जाएगा, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, माइनस इसलिए ले लिया बिकॉज वन माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे,
ये माइनस साइन देखो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ये लेस देन वन है, तो फील्ड इधर होगा और ये वैल्यू होगा, ये एक्स हो गया था, याद आ रहा है कुछ? यही डेरिवेशन से आया था, चेक करो पीछे का नोटबुक में जाके। चलो बच्चों एक सवाल देते हैं, चलिए फास्ट तो नहीं जा रहे हैं ना, किसी को लग रहा है कि सर बहुत फास्ट जा रहे हैं? नो सर। ठीक है बच्चों, ये एनुलर रिंग है, इसका मास है m और R1 से R2 के बीच में जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके एक्सिस से किसी डिस्टेंस R पे एक पार्टिकल स्मॉल m एंड दिस इज फिक्स्ड with what velocity a small m will cross center of the fixed ring। बच्चों ये सवाल दे दें, आर का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, आर वन आर टू सपोज कुछ, ये मैं जनरल केस में डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों ऐसे ही पता है कि ये क्या करेगा, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ये नजदीक आ रहा और फिर जब यहाँ पे पास करेगा बच्चों तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ये अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल घट रहा घट रहा घट रहा, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल, फिर आगे जाएगा तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रुक जाएगा। अगर ऐसे छोड़ दिया जाए और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड है, फोर्स है इन दोनों के बीच का और कोई फोर्स नहीं है, सो दिस विल परफॉर्म पीरियोडिक मोशन, लेकिन SHM नहीं परफॉर्म करेगा बिकॉज डिस्टेंस ये कुछ भी है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा, यू कैन फाइंड दैट फील्ड कॉम्प्लिकेटेड होगा बट पीरियोडिक होगा। तो बच्चों मुझे निकालना है कि इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, तो क्या करना है बच्चों, इसके कारण हमें यहाँ पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो कैन यू सॉल्व बच्चों, ये हो जाएगा? Yes. है ना, पोटेंशियल लिखना है यहां पे। चलो अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट अगर कोई पूछा जाए कि पोटेंशियल, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, बहुत स्लो हो गया। एक होलो स्फीयर है, यूनिफॉर्म होलो स्फीयर, एंड यू कैन गेस व्हाट इज पोटेंशियल हियर Tm बाय आर एट डिस्टेंस आर ग्रेटर देन कैपिटल आर माइनस जी एम अपॉन आर। बच्चों ये पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा, व्हाट इज द पोटेंशियल हियर एट पॉइंट पी, कितना होगा पोटेंशियल बच्चों, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो
इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए व्हाट वुड बी द ग्राफ वी वर्सेस आर का, बच्चों देखो निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है तो यहां से स्टार्ट करो माइनस जी एम बाई आर, ये कांस्टेंट है बच्चों, कब तक कांस्टेंट है, कैपिटल आर तक के लिए, एंड देन तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था वैसा है, लेकिन वहां ऊपर से लेते थे यहाँ पे नीचे से ले रहे हैं, बस वहां पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज था तो जैसा था, एक्चुअली अगर नेगेटिव चार्ज के लिए जैसा ड्रॉ करते हैं वैसा यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स इट। तो आगे बढ़े, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सवाल कर लियो तो ये तो बहुत ही आसान लगेगा। बस छोटा सा दो पॉइंट पूछ रहा हूं, जिससे पूछ रहा हूं बच्चों ना एहसान करके थोड़ा बता देना माइक ऑन करके। आयुष, आयुष मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए बिकॉज ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ईच ऑफ मास एम रेडियस आर एंड टू आर। आयुष यस सर, कितना आएगा? और अजिंक्य सूर्यवंशी, ओ पॉइंट का पोटेंशियल तुमसे पूछूंगा, तो बी रेडी। यार इसके लिए भी ये आउटसाइड है, इसके लिए भी आउटसाइड है, तो जी एम बाई पहला के कारण भी जी एम बाई थ्री आर और दूसरे के कारण भी माइनस जी एम बाई थ्री आर, बहुत ही सिंपल है। अजिंक्य सूर्यवंशी तुम्हारी बारी आ गई, ए पॉइंट पे पोटेंशियल, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल। यस चेतना तुम्हारा करेक्ट था। अजिंक्य सुन पा रहे हो? कम से कम हाँ ना तो बोल दो, पता चले कि हाँ अजिंक्य है वहां। चलो अजिंक्य का कोई मैसेज नहीं आया। अश्विन बिरारी क्या होगा? बच्चों अगर हम इसके कारण लिखें ब्लू कलर वाले के कारण तो जाएगा माइनस जी एम अपॉन उसका रेडियस है आर, जो सरफेस पे वही इनसाइड के हर पॉइंट। रेड कलर वाला जिसका रेडियस 2r है तो माइनस जी एम अपॉन 2r। तो बड़ा निराश किया अजिंक्य सूर्यवंशी, कुछ भी नहीं बात किया, मुझे तो पूरा चांस है कि वहां बैठा ही नहीं है। सार्थक पूछना तो कौन सी मूवी सबसे पहले आज देखा है यूट्यूब पे? यस सर,
चलो बच्चों सो आगे बढ़ते हैं. हॉलो हमने डिस्कस कर लिया बच्चों, नेक्स्ट वी विल डिस्कस सॉलिड स्फीयर. तो बच्चों इससे r डिस्टेंस पे इसका टोटल मास है m, तो ये मैं बता दे रहा हूं v इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस जी एम अपॉन r. अगर सरफेस की बात करें तो सॉरी ये स्मॉलर, सरफेस की बात करें जी एम अपॉन कैपिटल r, लेकिन अंदर के किसी पॉइंट पे क्या होगा है ना, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा. तो एक काम करते हैं, मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड पता है. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है इनसाइड पॉइंट पे, माइनस जी एम अपॉन आर क्यू, जहां तक मुझे याद है इतना होता है. तो आर से डी आर डिस्टेंस अगर चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे डी वी कितना हो जाएगा, तो माइनस ई डॉट डी आर बच्चों, ई इधर डी आर इधर, तो ये हो जाएगा बच्चों जी एम अपॉन आर क्यू इंटू आर ई इंटू डी आर. ये दोनों के बीच में एंगल 180 और ये माइनस साइन, तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगा बच्चों. यहां तक क्लियर, इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे बच्चों. तो यहां हो जाएगा जी एम बाई आर क्यू आर स्क्वायर बाई टू. और बच्चों कहां का पोटेंशियल पता है, मैं लिमिट कहां से कहां लू, जीरो से आर लू या कैपिटल आर से स्मॉल आर लू. कहोगे सर कैपिटल आर, कैपिटल आर का पोटेंशियल माइनस स्मॉल आर का ले लें, बिकॉज आर का मुझे पोटेंशियल पता है ना. तो स्मॉल आर कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं वी एट एनी इनसाइड पॉइंट डिस्टेंस आर माइनस वी एट सरफेस, इसको सरफेस लिख देता हूं, कैपिटल आर का मतलब सरफेस पे, जी एम बाई टू आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर. V at R that is equal to GM upon 2R cube और plus VS. VS कितना है बच्चों, minus GM upon R. इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, minus GM upon 2R cube को बाहर ले लो, माइनस को ले लिया बाहर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. बच्चों ये देखो तो आ रहा है क्या, ऐसा एक्सप्रेशन वहां भी आया था. मैं पूरा एक्सप्रेशन याद रखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं फोर्स करता हूं, बट ये जरूर याद रखो कि वी एट ओरिजिन तो स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, सो माइनस थ्री बाय टू जी एम बाई आर आता है, विच इज इक्वल टू थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ वी एट द सरफेस. ये जरूर ध्यान में रख लो बच्चों. यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बताना. एंड इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, चलो इतना लिख लो. तो बच्चों अभी मैं फिर से अब इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर पोटेंशियल वर्सेस आर का, तो बहुत ही सिंपल सा होगा. आउटसाइड के लिए तो माइनस जी एम बाई आर होगा, बट फॉर इनसाइड पॉइंट पोटेंशियल और डिक्रीज ही होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा.
कैसा होगा बच्चों? ये ऐसा जाएगा, ये अगर वी एस है माइनस वी एस है तो यहां पर जाएगा माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ वी एस, ठीक है ना? तो आई होप कि ये क्लियर हो गया बच्चों। अब इसी में एक सवाल मैं बना देता हूं। सपोज किसी को पोटेंशियल पता है, और सपोज ये डिस्टेंस है आर बाई टू, यहां पे एक मास एम को रिलीज किया है, व्हेन इट विल रीच एट द सेंटर व्हाट विल बी द वेलोसिटी, ठीक है? ओके बच्चों, वेलोसिटी क्या होगा? तो लिखोगे सर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, अगर एनर्जी कंजर्वेशन से जाए दैट इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा के बच्चों हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू, यू एफ माइनस यू आई दैट इज इक्वल टू जीरो। सो हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ, स्मॉल एम कॉमन, वी आई माइनस वी एफ। बच्चों व्हाट इज वी आई? माइनस जी एम बाई आर। व्हाट इज वी एफ? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों? जी एम बाई टू आर क्यूब ना, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर बाई टू का स्क्वायर, या स्मॉल आर का वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, स्मॉल आर का वैल्यू यहां पुट कर दोगे, देन ये पता चल जाएगा और ये निकल जाएगा। बच्चों सॉल्व हो जाएगा क्या? लिख देता हूं, कहोगे सर ये कंप्लीट आपने नहीं किया। That is equal to a small m, vi हो गया माइनस जी एम बाई आर, माइनस माइनस प्लस जी एम बाई टू आर क्यू, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर बाई फोर। अच्छा ये सही लिखा क्या? Yes sir. Yes. Sir. तो अब इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों। So half m v square, ये m m चला जाएगा, v square is equal to two times of g capital m by r common ले रहा हूं, तो ये बच गया बच्चों माइनस वन प्लस ये थ्री बाई टू है बच्चों, माइनस ये कितना है वन बाई एट, ठीक है? और यहां से आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा इसका एक और तरीका बताया था, किसी को याद है? एक और तरीका क्या था वो? SHM वाला। SHM वाला, और वो इनफैक्ट ज्यादा आसान था। ओमेगा बहुत इजीली पता, ओमेगा कर्नल यहाँ हो या यहाँ हो सेम हो जाएगा, और V max जो था वो कितना था? A into omega, A ये डिस्टेंस होगा। तो बच्चों ये दोनों से निकाल के देखना सेम आ रहा है कि नहीं, सेम ही आना चाहिए, है ना? ओके बच्चों, सो दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी।
चलो बच्चों आज का लास्ट सवाल ले रहा हूं मैं। लास्ट आंसर एस्केप वेलोसिटी कहा या एस्केप स्पीड बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी भी लिखा रहता है बट स्पीड ज्यादा अच्छा है बिकॉज डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। तो अगर कोई प्लैनेट है जिसका रेडियस आर है, अब प्लैनेट के सरफेस से कुछ वेलोसिटी इधर दिया, तो ये ऊपर जाएगा 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 और कहीं रुक जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है, एंड देन इट विल रिटर्न बैक। अगर स्पीड बढ़ा देंगे सो दिस विल गो हाइयर एंड देन रिटर्न बैक, है ना। एक छोटा सा सवाल पहले कर लेते हैं देन एस्केप स्पीड के बारे में बात करेंगे। मैं कहूं कि अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को वेलोसिटी दिया v इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर, इतना वेलोसिटी दिया। तो ये अर्थ के सरफेस से कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, 0 काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, चूंकि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज डेल्टा के फाइनल जीरो, इनिशियल कितना है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, बच्चों वी स्क्वायर देखो यहां से पुट कर दे रहा हूं जो वैल्यू दिया हुआ है, प्लस डेल्टा यू एम इंटू डेल्टा वी बच्चों, तो माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। सपोज सरफेस से अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर गया, माइनस माइनस प्लस, इनिशियली जी एम बाई आर है दैट इज इक्वल टू जीरो। बच्चों सॉल्व करके बताओ व्हाट इज एच, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। समर्थ खैरनार, काइनेमेटिक्स से कैसे करेंगे समर्थ, मुझे तो नहीं आता है। हाउ विल यू सॉल्व फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, तो पहले टाइम ढूंढेंगे कि वो वेलोसिटी कब जीरो होगी और उसको। अच्छा टाइम कैसे ढूंढोगे, ये तो बड़ा मुश्किल है यार, टाइम तो निकल ही नहीं पाएगा। जी कांस्टेंट नहीं है। यस एक्सेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये आसान सा टॉप सब्जेक्ट नहीं है ये। सर आपने अर्थ बोला ना इसलिए मुझे। हाँ हाँ अर्थ बोला तो, लेकिन जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा है और एच जो होगा वो 2-4-5 किलोमीटर नहीं होगा, ये बहुत ऊपर होगा, अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल आएगा, तो जी कांस्टेंट नहीं होगा। सो यू विल सॉल्व इट फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, 2gh वाला है ना। अच्छा ये जो वेलोसिटी v दिया है बच्चों इसको ऐसे नहीं करके इसको ऐसे भी दे सकते थे, रूट जी एम बाई आर स्क्वायर को स्मॉल g लिख दिया तो यहाँ पे r कर दिया रूट जी आर। सो एग्जाम में हो सकता है यही दिया रहेगा और g दिया रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड एट अर्थ सरफेस।
तो इसको इसमें कन्वर्ट करके लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर बच्चों? इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। एच किसी का आया? आर। कितना आया चेतना? आर। आर आर आया, बहुत सही, शायद आर ही सही करेक्ट है। बच्चों इसका स्पीड और बढ़ाएंगे और ऊपर जाएगा। सवाल आता है किसका स्पीड हम इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें, ये ज्यादा ज्यादा और ये इतना दूर चला जाए कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड चला जाए, मतलब वहां तक चला जाए जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जाके जीरो हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ये वापस अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो गया तो फोर्स इधर लगेगा नहीं, वापस नहीं आया। तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड सो दैट पार्टिकल विल गो बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट, या कहें द पार्टिकल does not return back to the planet, तो इस v minimum को हम लोग कहेंगे v escape, ना simply v से denote करेंगे बच्चों। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, infinite distance पे चला जाए, minimum के लिए solve कर रहे हैं, तो infinite distance पे इसका velocity कितना हो जाएगा? Zero। तो इसके velocity का डेरिवेशन देखना बच्चों कितना आसान है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बच्चों जीरो, इनिशियल है हाफ एम और इसके वेलोसिटी वी, तो वी स्क्वायर डेल्टा यू। बच्चों फाइनल क्या लिखेंगे, इंफिनिटी पे चला गया जीरो माइनस इनिशियली जी एम एम अपॉन अर्थ के सरफेस से ले रहे हैं, प्लैनेट के सरफेस से, दैट इज कर लो जीरो। तो बच्चों वी स्क्वायर सॉल्व कर लो टू जी कैपिटल एम बाय आर, है ना, वी इज इक्वल टू रूट टू जी एम बाय आर, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ द प्लैनेट। You can write this expression in this term, root 2gm by r square into r, and this quantity is a small g, gravitational field at the earth surface, so ye ho jayega 2gr, escape velocity, where g is the gravitational field at earth surface, theek hai bachcho। ये प्लैनेट के मास और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, अगर कोई कहेगा नहीं मुझे ना प्लैनेट का, एक प्लैनेट का डेंसिटी रो है और रेडियस आर है, तो सरफेस से इसके वेलोसिटी क्या होगा रो और आर के टर्म में, तो अगर सर बहुत ही सिंपल सा है, टू जी फोर पाई बाय थ्री आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर, इसके वेलोसिटी बच्चों आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू रूट रो इनटू आर। इज इट क्लियर बच्चों? आई बात समझ में? ये सवाल ऐसे पूछा जाता बच्चे परेशान हो जाते हैं, अगर कोई दिया जाए कि देयर आर टू प्लैनेट, एक का डेंसिटी रो वन है
एक दूसरा प्लेनेट है जिसका डेंसिटी रो टू है एंड रेडियस इज सेम, रेडियस इज सेम तो यहां से इसके वेलोसिटी v1, यहां से इसके वेलोसिटी v2, सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रो वन अपॉन रो टू। सो बच्चों दिस इज प्रोपोर्शनल टू रूट रो, सो रो वन बाई रो टू का रूट है ना। कहेगा बच्चों दे आर टू प्लैनेट of same density but radius are different, so surface इसके surface से जो velocity है इसके velocity v1 इससे है v2, so बच्चों बताना v1 upon v2 क्या होगा, root 1 by 2। बच्चों यहाँ पे देखो density same दे दिया, radius अलग अलग दिया, यहाँ देख सकते हो आर के प्रोपोर्शनल है, रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो आर बाई टू आर हो जाएगा बच्चों, सो वन बाई टू हो जाएगा। इज इट क्लियर? बच्चों ये ऐसा भी दे सकता है कि दो प्लेनेट है जिसका मास सेम है, मास इज सेम बट रेडियस एक का डबल है, यहां से तुम्हारा वी वन और यहां से वी टू, तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, विच फॉर्मूला यू विल यूज, रूट टू जीएम बाय आर। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला है ना, m सेम है, रूट जीएम बाय आर, वन बाय रूट आर के प्रोपोर्शनल है, तो व्हाट विल बी द आंसर, रूट टू, एम आई राइट? बच्चों ऐसे सवाल पूछा जाएगा और तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, इजिली सॉल्व कर लोगे। तो आज का सेशन यही फिनिश करें।